दादा की तरफ से हो गया है और हो भी जाना चाहिए। समय बिल्कुल विराम की ओर है। थोड़ा भैया बेस कम करके पतली कर दे आवाज और बढ़ा दे वॉल्यूम। हेलो हेलो हेलो, ये बात सबको, साथी कलाकारों को भी काफी दूर दूर से ये आते हैं तब पार्टी में चलते हैं। भैया ने कहा कोई भोजपुरी टुकड़ा सुना दीजिए, तो मेरी तरफ से एक भोजपुरी टुकड़ा मैं आपको सुनाई दे रही हूँ और उसके बाद चार पंक्तियां बाबा के दरबार में पढ़कर अपनी तरफ से कार्यक्रम को विराम दे दूंगी। क्योंकि अगर ये त्योहार ये समय ना होता तो आप चाहते तो दो चार गीत और भी सुना देते हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं थी। और ये केवल मेरे लिए अकेले के लिए नहीं, सबके लिए है। और हम भी चाह रहे हैं कि अब आप लोग भी धीरे धीरे निकल लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। एक गीत खास तौर से इसको नौटंकियों में आपने सुना होगा, ये बात गीत कह रहा है के हाथ में मेहंदी मांग सिंदूरवा के बर्बाद कजरवा हो गईला, के हाथ में मेहंदी मांग सिंदूरवा बर्बाद कजरवा हो गईला, बाले बलम पर दसवा मछाए, लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं क्या बात हो रही है, बारे बलम पर दसवा मछाए, बारे बलम पर दसवा मछाए उलझनवा सवेरवा, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं चार पंक्तियां पढ़ रही हूँ और बिल्कुल ऐसी ही भाषा है जैसे उनके गीत में उलझन में सवेरवा हो गईला, बिल्कुल भाषा भी वैसी है। राम राजा बनाए जाने वाले हैं, राम का राज्याभिषेक होता इसके पहले मंथरा आ गई, मंथरा केकई से मिली और मंथरा ने केकई के कान भर दिए, कहा केकई अरे तुम खुशियां मना रही हो, तुम्हारे भारत को कुछ नहीं मिलेगा, राम राजा बन जाएंगे, समय है भी मांग लीजिए अपने वो वरदान। केकई के दिमाग में बात पड़ गई और केकई अपनी जिद पे अड़ गई, केकई को भवन में जाकर लेट गई, अन्न जल कांप दिया, श्वेत वस्त्र पहन लिए, राजा दशरथ आए, कहा केकई ये क्या हाल बना रखा है, क्या हाल बना रखा, क्या बात है मुझे बता, मैं तो तुम्हारा स्वामी हूँ, मुझसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी, पता चंद्रिका। केकई ने कहा महाराज याद करिए आपने कहा था समय आने पर अपने दो वरदान पूरे करूंगा, सत्तुपुरवा के दादा हमारे रामपाल दादा जी आपकी ओर से 21 मुद्राओं का आशीर्वाद हमें प्रणाम कर रही हूँ। दादा सुनिएगा, राजा दशरथ से कहा केकई ने स्वामी आपने कहा था मैं दो वरदान पूरे करूंगा, आज वो समय आ गया है। राजा ने कहा अरे दो क्या चार वरदान मांग ले, केकई ने कहा चार बार नहीं केवल दो, दो। राजा दशरथ ने कहा मांग, केकई ने कहा मैं पहले वरदान में भरत को राज गद्दी चाहती हूँ। राजा दशरथ कहने लगे कोई बड़ी बात नहीं है, ले ले, 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 ले। दूसरा मांग, केकई ने कहा दूसरे वरदान में मैं राम को 14 वर्षों का वनवास चाहती हूँ। बस जैसे ही राजा दशरथ ने ये सुना तो राजा दशरथ ने कहा सुन केकई,
के हाथ की मेहंदी पग की महावरी सुनिएगा राजा दशरथ ने के कैसे कहा, ये जो तू मांग रही है इसमें होगा क्या, हाथ की मेहंदी पग की महावरी अभिशाप सिंदूरवा हुई जई है, हाथ की मेहंदी पग की महावरी अभिशाप सिंदूरवा हुई जई है, अब पहले वर की कौवा बात नहीं, भरत राज गति मांग रही मांग ले, लेकिन लेकिन पहले वर की कौवा बात नहीं, पहले वर की कौवा बात नहीं, वर घातक दुसरवा जोड़ रही हूं महाराजा दशरथ ने काला टीका माथे पर नैनन का कजरवा हुई जई है, ये जो नैनों का काजल है ये तेरे लिए कलंक का टीका बन जाएगा, काला टीका माथे पर नैनन का कजरवा हुई जई है, तुझे विधवा होना पड़ेगा, आखिरी पंक्ति सुनिए कहा कैकेयी कपट खटाई दरिहा तो दूध फट गए खिजरवा हुई जई है, ये कपट रूपी खटाई तू जो डाल रही है इसमें राम रूपी परिवार बर्बाद हो जाएगा, कपट खटाई दरिहा तो दूध फट गए खिजरवा हुई जई है, और ऐसन राग अलापोगी ऐसन राग अलापोगी ऐसन राग अलापोगी तो रूपक मां कहरवा कीर्तन शुरू हुआ है, बाबा नर्मदेश्वर बाबा के दरबार में दोनों कलाकार आप सब आए हैं, सवेरे सवेरे प्रार्थना कर रही हूं कि सबके जोड़े बने रहें, सब खुशहाल रहें, हर त्योहार बहुत अच्छा बने सबका, और चलते चलाते संदीप भैया
बाबा ने चाहा है तभी तभी हम आप सब इकट्ठा हो पाए हैं। तो चलते चलाते ताली बजाकर एक बार दो लाइनें मेरे साथ गाइए सब लोग। इतने अच्छे मौके पर आज बाबा से कहने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी। कि देखिए, नारी की जिंदगी में सबसे बड़ा दिन यही होता है और उससे बड़ा सौभाग्य मेरा कि मुझे रात भर बिना पानी पिए भगवान का कीर्तन गाने को मिल रहा है, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो मैं चाह रही हूं मेरे साथ सब लोग ताली बजाकर कहें कि बाबा कि मेरा आपकी कृपा से। जिन्हें दो हाथ मिले हैं दोनों ऊपर उठा कर, ये बात लो, आप भी हाथ उठा लोगे, ढोलक कौन बजाएगा सब लोग। कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भैया हमारे रामपाल जी आपकी तरफ से 10 मुद्राएं हैं, धन्यवाद। के बिन मांगे मेरे बाबा हर चीज मिल रही है, सब दिया है बाबा तुमने, कोई कमी नहीं है मेरी जिंदगी में, जो मांगा है वो मिला है, और जब सब दे दिया तो अब क्या बताएं बाबा।